विधानसभा चुनाव के साथ बगोदर में पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा दल बदलने का दौर जारी है। बगोदर के अलग डीहा गांव में बीजेपी छोड़कर कई कार्यकर्ताओं ने भाकपा माले का दामन थाम लिया। ग्रामीणों द्वारा आयोजित मिलन समारोह में मौजूद बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने पार्टी का झंडा थमाकर माले में उन्हें शामिल किया। पूर्व विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने नौजवानों को ठगने का काम किया है। पिछली बार बगोदर विधानसभा के लोगों ने बदलाव के साथ और इस नारे के साथ कि भाई दिल्ली से लेकर बगोदर तक एक पार्टी की सरकार रहेगी तो ज्यादा विकास होगा, ज्यादा हक अधिकारों की आवाज बुलंद होगी, लोगों ने मौका दिया था भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन अब एक एक गांव के लोग देख रहे हैं कि पिछला 5 साल वो चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़क पुल पुलिया का मामला हो, पुराने सड़क जर्जर हो गए, शिक्षा की बदहाल स्थिति है, पूरे बगोदर के लोग जो है दोहरी नीति से किसान जीटी रोड में भूमि अधिग्रहण से परेशान है, राज्य के जुआ स्थानीय नीति से गिरिडीह के ऊपर दोहरी मार परेशान है, और लोगों ने देख लिया है कि अगर उनके लिए विकास का भी रास्ता था, मान सम्मान का रास्ता था, तो संघर्ष का रास्ता था, और वो जो मजबूती भाकपा माले ने बढ़ाई थी उसी से उम्मीद है, और हर गांव हर टोले में आज प्यार मिल रहा है। हम निश्चित रूप से लोगों के इस विश्वास को और